लो जी पहुंच गए हम शर्मा रेस्टोरेंट के पास। शर्मा रेस्टोरेंट जो है वो फेमस है यहाँ की अपनी कचौड़ी के लिए, क्लब कचौड़ी नहीं। आप लोग के दिमाग में अभी क्लब कचौड़ी घुसा हुआ है, लेकिन यहाँ जो शर्मा जो स्वीट स्नैक रेस्टोरेंट है वो हींग कचौड़ी के लिए फेमस है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी की गीत गाए जा, ये शर्मा रेस्टोरेंट हम पहुँच गए हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर है खास्ता कचौड़ी ढोकला है, यहाँ पर है ब्रेड का पकौड़ा भी है यहाँ पर। कचौड़ी हो जाएगा, कचौड़ी हो कैसे पीस? लस्सी आपको बड़ा चार पीस दीजिए ना। यहाँ पर और क्या ऑर्डर करने के लिए देखते हैं। मिठाई तो मैं उतना नहीं खाता, ये जो मीठापन से मेरी थोड़ी दूरी है, लेकिन नमकीन मुझे जितना भी दीजिए मैं नमकीन खा लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खास्ता कचौड़ी रखी हुआ है, समोसा भी रखा हुआ है और नीचे लड्डू भी है। यहाँ पर बाहर का तापमान, अरे नहीं नहीं नहीं, बाहर नहीं निकलूँगा, अंदर ही चलता हूँ, कहीं बाहर में भस्मीभूत ना हो जाऊँ। ये लगता है ऊपर की तरफ इसका प्रोडक्शन चलता है। यहाँ पर देखिए ऊपर से कचौड़ियाँ लाई जा रही है, देख रहे हैं दोपहर के 1 बजे। यहाँ पर मेरी तरह यहाँ पर कुछ कचौड़ी खाने वाले लोग हैं। दो प्लेट है दो का, लेकिन चार किसी तरह से ठूसा जा रहा है इसमें। स्पून हो चलो मिल गया, चार चार कचौड़ी। अब इसे पेलते हैं अच्छी तरीके से, सॉरी मतलब खाते हैं अच्छी तरीके से, देखते हैं यहाँ पर कहाँ खड़े होकर ठीक से खाया जा सके। यहाँ पर जो है अपने कैमरे को चिपकाते हैं फेविकॉल से। यहाँ पर देखिए कितनी क्रिस्पी है, देखिए हाँ क्रिस्पी है, पूरी पापड़ की तरह। मज़ा ही आ गया मुझे, मन में तो लड्डू फूट रहे हैं मेरे, कहीं मेरा पेट वेट ना ख़राब हो जाए, लेकिन फिर भी ये देखने में इतना अच्छा लग रहा है कि इसे पूरा खा ही लूँगा। ये ऊपर वाला जो दे दिया ना मुझे, ऊपर वाला एकदम पूरा बेकार पीस दे दिया, पूरा पापड़ की तरह यहाँ पर पूरा क्रिस्पी है। बाद बाकी के 3 पीस जो वो सही है, थोड़ा सा उसमें मिलाया, थोड़ा सा मिर्ची लिया, उसके बाद ये लिया मुँह के अंदर। शर्मा स्वीट्स एंड स्नैक रेस्टोरेंट का हींग कचौड़ी, अंदर में है उड़द डाल के फीलिंग। ये लो मिर्ची रखा ऊपर, मिर्ची के एडजस्ट करते हुए पेटो के एसएमआर व्लॉग। यहाँ पर सब्जी डालेगा इसके ऊपर, अरे यार ये तो मीठे ही में गिर गया, अब तो स्वाद इसका ख़राब हो गया ना, खट्टा मीठा वाला हो गया, सॉरी नमकीन और मीठा हो गया। खाकर देखते हैं कैसा लगा। हाँ ठीक ही लग रहा है खाने में। सोचिए दोपहर के 1-1.5 बज रहे हैं और मैं बैठे बैठे यहाँ पर हींग कचौड़ी खाए जा रहा हूँ, हींग कचौड़ी। सोचिए आप लोगों ने कभी खाया है गर्मी के मौसम में? बाहर जाओ, जहाँ भी जाके देखे लोग गन्ने का जूस पीते हुए दिखाई दे देंगे, आपको सत्तू खाते हुए दिखाई दे देंगे, लेकिन दोपहर के 1-1.5 बजे आपको यहाँ पर क्या कोई दिखेगा, यहाँ पर हींग कचौड़ी खाते हुए। हाँ सब्जी भी टेस्ट ठीक ही ठाक है, लेकिन भाई साहब वो छगानी का क्लब कचौड़ी का जो सब्जी था, क्लब कचौड़ी की सब्जी भाई साहब, वो अगर मिल जाता ना इस पूड़ी के साथ, मतलब इस कचौड़ी के साथ, आज ही अगर मुझे बोले दुनिया छोड़ दें कि मैं आज ही दुनिया छोड़ दूँ। अगर आप लोगों ने छगानी क्लब कचौड़ी का वो वीडियो ब्लॉग नहीं देखा है तो जाके ब्लॉग देख लीजिए, आई बटन के ऊपर यहाँ पर ब्लॉग का लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक कीजिए, वहाँ जाकर ज़रूर देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आप सभी को देख के। चलिए देखते जाके देखते हैं, थोड़ा सब्जी वगैरह मांगते हैं, सब्जी तो ख़त्म हो गया है, देखते हैं दोबारा ये लोग रिफिल करते कि नहीं सब्जी। भैया सब्जी मिलेगा? भूल गए थे ना भैया कि मैंने मांगा है सब्जी। थोड़ा मिर्ची दीजिएगा, मिर्ची नहीं दिखा तो नहीं था, लेकिन दही दीजिए ना, क्या दिक्कत होता है। अब सोचिए ऊपर से मिर्ची, पता है कितनी तीखी मिर्ची है, एक बार खा लीजिएगा ना तो मुंह जो है पूरा लहर जाएगा अच्छी तरीके से। मिर्ची जो है, मिर्ची के अंदर फीलिंग भी है, ये साधारण मिर्ची नहीं है, इसके अंदर अचार वगैरह है, खाने में बड़ा टेस्ट लगता है, प्लस तीखा भी लगता है खाने में। देखिए इसके अंदर ये जो दाल की फीलिंग है, देखिए उड़द दाल की फीलिंग मोस्टली मैंने देखा है जहाँ पर भी देखिएगा, जो नॉर्थ इंडियन जो यहाँ पर आके बेचते हैं, जैसे शर्मा रेस्टोरेंट हो गया, या आपका हो गया गुप्ता ब्रदर्स हो गया, या छगानी क्लब का जरूरी है, जितने भी नॉर्थ इंडियन हैं जो राजस्थान गुजरात वगैरह से बिलोंग करते हैं, वो लोग देखिए प्याज लहसुन खाते नहीं हैं, और प्याज लहसुन से बनी कोई चीज़ खिलाते भी नहीं है, सिर्फ दाल की फीलिंग रहेगी और जितनी भी खाना है वो प्योर वेज। यहाँ पर अदरक लहसुन प्याज वेज कुछ भी नहीं रहता,
प्योर वेज। अब प्योर वेज में भाई साहब ये लोग इतना मस्त टेस्ट लेकर आ जाते हैं ना, देखिए इसलिए ये रेस्टोरेंट्स वगैरह जहाँ भी खुलते हैं ना धमाल मचा देते हैं, बिकता ही बिकता है इन लोगों का। हाँ बच गया दो पूरी, इसको किसी तरीके से। क्या आप लोगों ने शर्मा स्वीट्स एंड स्नैक्स का कभी ये पूरी सब्जी खाया है, यानी कि हिंग कचौड़ी वगैरह खाया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि इसका एक बार पूरी खा लीजिएगा ना, मज़ा आ जाएगा आपको। दो पूरी खा लीजिएगा आपका पेट भर जाएगा। लेकिन मैंने क्या है ना, लालच के वशीभूत होकर मैंने चार चार यहाँ पर हिंग कचौड़ी मंगवा ली। इसका एक हिंग कचौड़ी का प्राइस है 12 रुपया। मैं पहले जब खाता था तब उस वक्त का रेट था 10 रुपया, करीबन एक साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं यहाँ पर कलकत्ता वगैरह में आया करता था मैं। अभी देखिए इसका रेट हो गया करीबन 12 रुपये, मतलब 4 44 मतलब 48 रुपये का एक प्लेट है ये। अभी फाइनली देखिए सोच रहा था कि कैसे खाऊं करते करते ये जो टोटल मैंने खाना खा ही लिया। तो ये कंप्लीट हो गया मेरा खाना वाना, कैमरा को लेते हैं और डस्टबिन में इसे डंप करते हैं, यहाँ रखते हैं इस जगह पर, और हाथ पैर धोते हैं। हाथ पैर धोने के बाद फिर देखते हैं। थोड़ा तीखा तो लग गया है मुंह के अंदर और मीठा मुझे इतना पसंद भी नहीं है, तो मीठा तो कुछ तो खाना पड़ेगा, जब पसंद नहीं है तो कुछ तो ऑल्टरनेट खाना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर मुझे दही दिख रहा है, दही खा लूँ क्या? दही के बहुत सारे यहाँ पर छोटे छोटे कुल्हड़ हैं, छोटे बड़े सब कुल्हड़ हैं। चलो दही खाते हैं, भैया से दही मांगते हैं। छोटा वाला चाहिए, छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं चाहिए, छोटा वाला चाहिए, सबसे छोटा वाला जो है वो दीजिए मुझे। भी सही सही है, इसमें एक चम्मच दे दीजिए। वाह ये देखो, ये हाथ में आते ही इतनी ठंडक लग रही है ना, मन भी मेरा ठंडा ठंडा हो गया। ये देखिए इसका टेक्सचर, देखिए टेक्सचर देख रहे हैं, वाह मज़ा ही आ गया। वाह क्या टेक्सचर है, ग्रेट। चलिए थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है यहाँ पर शर्मा रेस्टोरेंट का दही खाकर। मन तृप्त हो गया, आत्मा तृप्त हो रहा है मेरा। कचौड़ी के ऊपर से जा रही है यहाँ पर क्लोजिंग, दही की क्लोजिंग, ठंडी ठंडी दही की क्लोजिंग। ओहो एक बड़ा, इससे बड़ा वाला मंगवाने से होता अच्छा, थोड़ा सा और खा लेता, मन तो बड़ा नहीं मेरा। लेकिन ज़्यादा लालच नहीं करता, ज़्यादा लालच के चक्कर में कहीं ठंड लग जाए मुझको, ऐसे भी थोड़ी गले में दिक्कत होती है मुझे। सो यहाँ पर करते हैं डंप और उसके बाद देखते हैं कि मैंने आज दोपहर का कितना खाना खा लिया। हाथ पाथ धो लेते हैं और यहाँ देखिए यहाँ पर चाट लगा हुआ है यहाँ पर शर्मा रेस्टोरेंट का, कि क्या क्या यहाँ पर मिलता है। देखिए सिंगारा, खस्ता कलक कचौरी, हिंग कचौरी, आलू बुंडा, वेजिटेबल चॉप, जलेबी, लस्सी, दही, मिठाई, गुलाब जामुन, कितने सारे यहाँ पर देखे, कलाकंद, सोन पापड़ी, काजू बर्फी, सिंगारा, चाट, खस्ता कचौड़ी, सब कुछ मिलता है यहाँ पर। मैंने ब्रेकफास्ट का सारा इंतज़ाम कर रखा है शर्मा रेस्टोरेंट में। कितना हो गया भैया, कितना हो गया भैया? चलो पेमेंट वगैरह करते हैं। और फिर से अब हेलमेट पहनो, हेलमेट, ये हेलमेट इतना भारी है ना मेरा, इस हेलमेट को पहनने के बाद जो सर जो है मेरा पूरा पसीना पसीना, चेहरा पूरा, गाल मेरा पसीने से पूरा तर बतर हो जाता है। एक छोटा हेलमेट खरीदना पड़ेगा लगता है मुझको। चलिए फटाफट हेलमेट वगैरह पहनते हैं और यहाँ से फटाफट निकलते हैं। चल मेरी धन्नो, रुक जा, गाड़ी आ रही उधर से। पेट पूजा मेरी हो गई कंप्लीट, बड़ा ही मस्त था, मैंने बड़ा मस्त मैंने आज एक लंच किया, पूरी कचौड़ी, सोच सकते हैं पूरी कचौड़ी मैं लंच में कर रहा हूँ। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा।